टांगे वाला कौन है और वो क्यों आपको ये सफर यहाँ से वहां तक करा? मेरे दादाजी ऐसे तो बहुत सारे टांगे वाले हो सकते हैं, आप बुरे हैं सही है, लेकिन टांगे वाले ही क्यों? टांगे वाला ही क्यों किस्सा कोई करता था, क्वेश्चन ये है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जरिया जैसे आज रिक्शा आप देख रहे हैं, उस वक्त यहाँ से जाने का ट्रांसपोर्टेशन का जरिया टांगा हुआ करता था। आज भी सदर बाजार के अंदर टांगे चलते हैं, अब भी ट्रांसपोर्टेशन का जरिया जैसे अगर आपको जैसे आज बस है, उस वक्त अगर आपको दूर के डिस्टेंस में भी जाना हो तो आप क्या लेंगे, टांगा या बैलगाड़ी? अगर आप पुरानी फिल्मों में देखेंगे तो सफर कैसे तय होता था, टांगा या बैलगाड़ी? तो उसी में से टांगे वालों के पास जो होते थे, टांगे वाले बहुत सारे होते थे, लेकिन असली टांगे वाला मजेदार कौन होगा? जो रास्ते के सफर के साथ साथ लोगों को किस्सा सुना, जो किस्सा सुनाता था, इसलिए वो दादाजी ऐसे जोड़ेंगे आप तो मुझे सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए वो टांगे वाले उसके पास क्यों बैठेंगे? बस वाला तो बहुत है, मैं म्यूजिक बजता हूँ मान लो, तो आप क्या ये गाने बहुत अच्छा बजाता है, ये बोरिंग है, इसके साथ नहीं जाएंगे, इसकी गाड़ी में जाएंगे, इसकी गाड़ी में। तो इसी वजह से उस वक्त जो टांगे वाला था, हाँ तो वो सवारी के साथ साथ बच्चों को राज्य सुनाऊंगा तुझे मैं, तो वो बच्चे जो थे, नहीं मम्मी हमें वो वाले मकसूद पहलवान अंकल के टांगे में जाना है, तो यानी कि उनकी यूएसपी समझ लीजिए या उनकी मार्केटिंग समझ लीजिए, जिसकी वजह से खास तौर पे बच्चे जो थे वो उनके टांगे में जाना पसंद करते थे। चलिए भाई यस हाँ, तो आप यहाँ से किस्सा शुरू करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले